भाई लोग आज बात करते हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। आज की मंडे नाइट रॉ बहुत ही धमाकेदार मंडे नाइट रॉ देखने को मिली। आज की मंडे नाइट रॉ में रिटर्निंग सुपरस्टार की भी रिटर्न हुई और काफ़ी ज़्यादा धांसु रिटर्न देखने को मिली। सबसे पहले रॉ की शुरुआत करती है द मैन बैकी लिंच। बैकी लिंच ने रिटर्न किया सर्वाइवर सीरीज के बाद मंडे नाइट रॉ में। क्राउड जबरदस्त तरीके से पॉप कर रहा था बैकी लिंच को और बैकी लिंच बातें कर रही थी क्राउड की तरफ से और बोलती कि द मैन को तो अपने फैंस के बीच में क्राउड में होना चाहिए। और बैकी लिंच क्राउड की तरफ जाती हैं, वहाँ पे हर फैन से नाम पूछती, हाथ में एक फैन से तो नाम पूछे बोला बॉबी, और क्या होता तभी क्राउड बॉबी बॉबी का चैंट करने लगते हैं। तभी क्या होता है वहाँ पर इंटरप्ट करती है अपनी बैली और बैली आके बैकिंग को तुमने क्या एक मैच जीते कहते चौड़ में आ गई, हमने तो हेल इन अ सेल का मेन इवेंट किया, क्राउन ज्वेल में मैच लड़ा लेकिन मेरे अंदर कोई भी चौड़ नहीं है। और अपनी रिंग की साइड बढ़ती हैं बैली और अपनी क्या होता है बैकी लिंच होती है क्राउड, वैसे ही बैकी लिंच आती हैं क्राउड की तरफ से रिंग की तरफ आने की कोशिश करती। तभी क्या होता है अपने डैमेज कंट्रोल की मेंबर आके बैकी लिंच के ऊपर पीछे से अटैक कर देती हैं और अटैक करते करते उन्हें बैक स्टेज ले जाती है जहाँ पे पूरे मन इन द बैंक के भी प्रेस बेल्ट और टकराते हैं, वहाँ भी क्राउड रहती है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अटैक हो जाता है बैकी लिंच के ऊपर और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया बैकी लिंच को। तो भाई लोग ये अपडेट है बैकी लिंच के बारे में। और बात करते हैं अपने ब्लड लाइन के बारे में। भाई लोग अपने ब्लड लाइन के मेंबर जो सैमी जेन जे उसो जेमी उसो और अपने सोलो सिकोबा रिंग में आते हैं और आपस में तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं हम लोग इकट्ठा थे, हम लोग यूनाइट थे, तभी हम लोग ये मैच जीत पाए सर्वाइवर सीरीज में और हम लोग अब आगे चल के पूरी तरीके से इकट्ठा रहेंगे। और समी जैन भी मेरे ग्रुप में आ चुका है, मेरी फैमिली में आ चुका है ब्लड लाइन में और ब्लड लाइन अब कभी नहीं टूटेगी और ब्लड लाइन में हर एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन क्या होता है तभी अपने केबी नोवन की एंट्री होती है और केबी नोवन को देख के समी जैन बोले तू वहीं पर रह, तू यहाँ पर मत आ क्योंकि तेरे ऊपर दोबारा अटैक करेंगे। लेकिन केबी नोवन बोलते हैं नहीं नहीं मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूँ, मुझे पता है मैंने भी तुझे कितनी बार धोखा दिया, तू भी मुझे धोखा दिया लेकिन मैं इसको माइंड नहीं करता हूँ। अब मैं तेरे साथ ड्राइव में नहीं जाऊँगा, मैं तेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करूँगा, अब मेरी तेरी कोई दोस्ती नहीं है क्योंकि मैं भी 20 साल के रेसलिंग करियर में ऐसा कभी धोखा नहीं खाया हूँ जितना तूने मुझे 20 साल के अंदर धोखा दिया रेसलिंग में। तो इस तरीके से बात करते हैं और अपने क्या होता है कि जे उसे बोलते एक मैच हो जाए समी जैन और केविन ओवंस के बीच में। लेकिन केविन ओवंस बोलते मेरे और समी जैन के बीच में तो मैच नहीं होगा लेकिन मेरे और तेरे बीच में ज़रूर मैच होगा। और तो कि मेन इवेंट में मैच होता है अपने जे उसे और केविन ओवंस के बीच में और ये मैच बहुत ही धांसु मैच देखने को मिला। यहाँ पे अपने जे उसे सुपर किक की पछाड़ लगा देते लेकिन क्या होता है तब भी अपने केविन ओवंस बार बार किक आउट करते हैं और मैच बहुत ही धांसू रहा। यहाँ पे 1-on-1 की जगह 4-1 का हो गया सिचुएशन और यहाँ पे अपने क्या होता है कि जे उसो जबरदस्त धुनाई कर देते केविन ओवंस के लेकिन केविन ओवंस भी फाइट बैक देते हैं और इस स्टोरी लाइन देख के पता चला कि अभी इनके बीच भी अभी स्टोरी लाइन चलेगी केविन ओवंस और ब्लड लाइन के लिए। देखते हैं क्या होता है केविन ओवंस और ब्लड लाइन की स्टोरी में। और बात करते हैं अपने करेंट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। ऑस्टिन थ्योरी आते हैं रिंग में और बड़ी बड़ी बातें करते हुए बोलते हैं मैं फ्यूचर हूँ और मैं नाउ भी हूँ और मैंने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीत लिया है, मैं बॉबी लेसी और सेथ रोलिंस को हराया है और काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने ऑस्टिन थ्योरी। लेकिन तभी आ जाते हैं अपने सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और सेथ रोलिंस उसको जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ते क्राउड जबरदस्त तरीके से चैंट करता है सेथ रोलिंस की थीम सॉन्ग को और सेथ रोलिंस के बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिलता है क्राउड की तरफ से और सेथ रोलिंस को किड किड बच्चे बच्चे कह के मजा लेते हैं। वो बोलते हैं कि तू बच्चा है अभी मैं तुझसे टाइटल ले लूँगा, तू तो लक से जीता है किड, ऐसी बातें करते रहते हैं अपने सेथ रोलिंस ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी बोलता है मैं तुझे मैच मिलूंगा, मेरी मैं चैंपियन हूँ, मेरे कंडीशन में तुझे मैच मिलेगा, जब मैं चाहूँगा तभी तुझे मैच दूंगा। तो भाई लोग ये अपडेट है आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई लोग।